यहाँ पे हम बात करेंगे दो टॉपिक के बारे में। सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बात करेंगे। सो जिस तरह की हमारी बॉर्डर लाइन है, कोस्टल एरिया है, उसको देखते हुए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि आपको हेल्प कर सके सर्वेलेंस क्षमता को मेंटेन करने में एक लंबे समय के लिए, और ये जो क्षमता रहेगी वो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगी। तो इस तरह के जो भी इक्विपमेंट होंगे जो ऐसे सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को है। और इन सभी चीजों को देखते हुए ही हाल ही में 10 के नंबर में जो मल्टीकॉप्टर है, वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाले मल्टीकॉप्टर, उसके डील साइन की है इंडियन कोस्ट गार्ड ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डायरेक्टिव पे आईडेक्स के अंतर्गत ये जो यूएवी हैं वो डेवलप किए गए थे भारत के सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा। तो इनके ही जो 10 मल्टीकॉप्टर हैं वो डिलीवर किए जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड को, और जो प्राइमरी रोल रहेगा वो सर्वेलेंस, सिक्योरिटी ऑपरेशन, इंटरडिक्शन और सर्च एंड रेस्क्यू का भी रहेगा। हाल ही में इन मल्टीकॉप्टर के जो ट्रायल हैं वो कंडक्ट किए गए थे इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप से। ट्रायल को दिन और रात दोनों कंडीशन में कंडक्ट किया गया है, और ये जो मल्टीकॉप्टर हैं वो सक्षम है टेक ऑफ करने में वॉरशिप से भी और शोर बेस्ड फैसिलिटी से भी। तो इस तरह के तकरीबन 100 के नंबर में जो ड्रोन है वो प्रोक्योर करने की प्लानिंग है इंडियन कोस्ट गार्ड की 2025 तक, ताकि वो अपनी सर्विलेंस क्षमता को बढ़ा सके और इंडिया का जो मैरीटाइम जोन है वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की जो इफेक्टिविटी है उसको बढ़ा पाए। यहीं पे बात कर लेंगे कुछ और डेवलपमेंट के बारे में जो कि इंडियन डिफेंस एंड एयरोस्पेस से है, और ये जो अपडेट रहेंगे वो हाल ही में एडीए द्वारा कंडक्ट किए गए ऑटोनोमस एयर व्हीकल पे हुए एक सेमिनार से है, जो कि कंडक्ट किया गया था बेंगलुरु में 6 से 7 जनवरी के बीच में। और ये जो सेमिनार था उसको ऑनलाइन भी अटेंड किया जा सकता था, तो इसको हाइब्रिड मोड में कंडक्ट किया गया था। जो इंडस्ट्री ऑफिशियल्स हैं या एकेडमिया के स्टूडेंट हैं दोनों इसको अटेंड कर सकते थे। पर्टिकुलरली यहाँ पे बात हुई है एल्गोरिथमिक वॉरफेयर पे, ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी पे, यूएवी पे, और इन सभी के क्या रोल है इंडियन इंडस्ट्री में। तो ये कुछ जो टॉपिक है वो कवर किए गए हैं प्राइमरली। सेमिनार से की डेवलपमेंट की बात करोगे वैसे प्रोजेक्ट पे जो ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे कि मैन एंड मैन टीमिंग को लेके हो गया, और इस पे जो नया डेवलपमेंट है वो एडीए के डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश देवधर के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मैन एंड मैन टीमिंग है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने जा रही है एडीए नेवल एलसीए के साथ मिलके, मतलब नेवल एलसीए को एक मदरशिप के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, और टीमिंग करने के लिए दो जो यूएवी हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो प्रॉब्लम डेमोन्स्ट्रेशन है वो आने वाले मंथ्स में कंडक्ट किए जाएंगे गोवा कोस्ट पे। जो मॉडिफिकेशन है नेवल एलसीए में वो ऑलरेडी कर दिए गए हैं। जो ऑटो स्की जंप है आईएनएस हंसा पे वो भी कंडक्ट करके टेक ऑफ करा लिया गया है। तो इसके लिए जो मॉडिफिकेशन है वो किए जा रहे थे एनएलसीए के एनपी2 पे। तो आने वाले टाइम में उम्मीद ये रहेगी कि जो ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग है वो कराई जाए। आपके पास डेटा ऑलरेडी है एयरक्राफ्ट कैरियर पे टेक ऑफ और लैंडिंग का, तो उन डेटा को फीड करके सॉफ्टवेयर की हेल्प से और फ्लाई बाय वायर की हेल्प से जो ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग है वो कराई जाएगी। और वहीं पे जो दूसरे ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक पायलट के साथ मैन एंड मैन टीमिंग का, तो उन सब का जो वैलिडेशन है वो देखने को मिलेगा। सो इन सभी तकनीक का जो वैलिडेशन है वो एक ही कॉन्ट्रीब्यूटर रहेगा। जिस तरह का प्रोजेक्ट भारतीय जो एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर है वो देख रहा है कैट्स और विंगमैन के रूप में, तो वहाँ पे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का जो इम्प्लॉयमेंट है वो भी आपको दिखेगा। और यही जो टेक्नोलॉजी होंगी वो एमके के फ्यूचरिस्टिक वेरिएंट और जो कॉम्बैट यूकैव होंगे उनके साथ भी इम्प्लॉय की जाएंगे। सो ये की डेवलपमेंट रहेगा जहाँ पे मैन एंड मैन टीमिंग का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो एडीए करने जा रहा है। और अभी हाल ही में जो ग्राउंड लॉन्चर से टेस्ट फायरिंग है एयर लॉन्च ऑटोनोमस स्वॉमिंग ड्रोन का, जिसको डेवलप कर रही थी न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, तो उनका जो अल्फा एस है वो इसी मंथ में टेस्ट फायर करने वाले थे प्रॉब्ली एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर से। तो जल्द ये सिस्टम भी मैन एंड मैन टीमिंग सिस्टम का पार्ट होगा। यहाँ पे जो यूएवी है उसके सर्विस सेलिंग 6 किलोमीटर के अराउंड है। जो क्रूज स्पीड है वो 117 km/h की है, 1 घंटे से ऊपर के एंड्योरेंस है, और जो मैक्सिमम रेंज है वो 150 km की है। फीचर की बात करोगे तो कई सारे जो वेरिएंट है वो बनाए जा सकते हैं पेलोड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो अल्फा एस है वो हार्ड किल कर पाएगा, आईएसआर रोल कर पाएगा, और जो एडीआर है उनको भी एग्जीक्यूट कर पाएगा। जो एंटी टैंक रोल है, एंटी इंफ्रा है, या यूआईआर कैमरा है, वो सब यहाँ पे दिए जा सकते हैं। तो आपके मिशन के अकॉर्डिंग जो पेलोड है वो अल्फा एस में चुना जा सकता है। सो इसके भी जो ट्रायल है वो इस मंथ ही कंडक्ट होने हैं। तो होपफुली जो एक मैन एंड मैन टीमिंग सिस्टम है वो जल्दी टेस्ट किया जाएगा, स्पेशली अगर ये नेवी के लिए हो जाता है पहले तो ज्यादा एडवांटेजियस रहेगा। कहीं ना कहीं जो नेवी के हाथ हैं उनको ये और भी लंबे करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।